नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। पूरे गांव में नहीं जले चूल्हे, लाशों ही लाशों का लगा ढेर, शोक की लहर छाई और अब भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भी भावुक हो गए हैं। हादसा कुछ इस प्रकार का है और जब दोस्तों आप भी इस हादसे के बारे में जानोगे तो आप भी रोने लग जाओगे। जी हाँ साथियों, बता दें इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो आ रही है राजस्थान से। और दोस्तों यहाँ पर बता दें आपको, चाचा ने दिया जिंदगी भर का दर्द, बेटी को देख बेहोश हो गया पिता, एक शक और मिनटों में पूरा परिवार खत्म हो गया। साथियों बता दें, मनीषा सिर्फ 6 महीने की थी, अपने पिता की जान और पूरे परिवार की लाडली थी। उसकी एक पुकार पर पूरा परिवार दौड़ा चला आता था, लेकिन आज सुबह उसके साथ एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ। बेरहमी से उसकी जान चली गई और उसे नींद में ही मार डाला गया। यह राक्षस कोई और नहीं बल्कि उसका खुद चाचा ही था। बच्ची की जान लेने के बाद भी सनकी की हैवानियत नहीं रुकी, उसके मासूम की माँ, दादी और दादा की भी हत्या कर दी। हंसता खेलता एक परिवार मिनटों को तबाह हो गया। बेरहम चाचा ने हत्या के बाद मासूम को जलते चूल्हे में फेंक दिया। जोधपुर की इस घटना के बारे में जिसने भी सुना उसका कलेजा कांप गया। और दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से बेरहमी से यहां पर हत्या कर दी गई सभी की। जोधपुर के नज़दीक ओसिया के चौराहे पर स्थित रामनगर ढाणी में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड से पूरा राजस्थान सहम गया है और मैं भी राजस्थान का हूँ, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है इससे। साथियों बताते चलें कि यहाँ पर जो हत्यारा था वो कोई और नहीं बल्कि परिवार का ही 19 साल का पप्पू राम था। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और घटना की खबर लोगों को लगी तो सभी जो उनका चाचा है पप्पू राम उसकी घर की तरफ दौड़े। घर के अंदर की तस्वीर इतनी भयानक थी कि लोग हैरान रह गए। 6 महीने की मनीषा की हालात देख लोगों की आँखें भर आई। मासूम मनीषा के पिता रेवता राम को जब इस वारदात की खबर मिली तो वह फौरन घर पहुंचा। यहां उसने जो मंजर देखा तो उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। अपने परिवार की हालत देख वह जोर जोर से रोने लगा और बेहोश हो गया। होश आया तो बेटी के पास जाने की कोशिश करने लगा, फिर गांव वालों ने उसे संभाला। उसने कहा कि मंगलवार को ही घर से काम के सिलसिले में निकला था, तब बेटी मनीषा से कहा था जल्द वापस लौटूंगा, लेकिन नहीं पता था कि उसकी और मेरी यह आखिरी मुलाकात होगी। साथियों न जाने लोगों की मानसिकता किस प्रकार की हो गई है जो इस प्रकार के हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। भगवान चारों मृतकों की आत्मा को शांति दे, इसलिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम लिखें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, तथा जो इस प्रकार के अपराध करते हैं उनको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए कॉमेंट बॉक्स में अवश्य हमें ये बताते जाएँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।